नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अगर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहां 4 चरणों में चुनाव होगा और देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, एमपी में 4 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, किन किन तारीखों पर एमपी में चुनाव होंगे? देखिए, मिशन 2024 के लिए निर्वाचन आयोग ने आज चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। अगर देश की बात करें तो देश में 7 चरणों में चुनाव होगा, तो वहीं मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर अलग अलग रणनीति जो है वो निर्वाचन आयोग की ओर से बनाई गई है। 4 जून को मतगणना होगी और इसके बाद परिणाम आने वाले हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर, तो जिन 4 चरणों में वोटिंग होनी है, सबसे पहले 19 अप्रैल को 6 सीटों पर मतदान होंगे, तो वही दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिन पर 7 सीटें पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीटों पर मतदान होगा, तो वही चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी, जिनमें 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 5,63,40,665 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे और अपनी सरकार को चुनने के लिए वोट डालेंगे। पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और ये पहले फेज का जो मतदान है वो होगा। दूसरे चरण की अगर बात कर ले तो 7 सीटों पर मतदान होगा। इनमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल सीट शामिल है, जिनमें दूसरे फेज पर मतदान होना है। तीसरे चरण में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा और भोपाल राजगढ़ लोकसभा सीट पर मतदान होगा। वहीं चौथे चरण की अगर हम बात कर ले तो चौथे चरण में 8 सीटों पर होगा, जिनमें देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा लोकसभा सीट शामिल है। इन तमाम सीटों पर 4 जो तारीखें अलग अलग दी गई है, इन पर मतदान होगा और इन तमाम जो इनका रिजल्ट है वो 4 जून को हम सबके सामने आएगा कि आखिरकार मतदाता जो है उन्होंने किस पर अपना विश्वास जताया है और किसको मत दिया है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने आज बकायदा प्रेस वार्ता की और इन तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब इसके साथ ही मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जो है वो आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि यहाँ से चुनावी तैयारी जो है वो निर्वाचन आयोग की ओर से कैसे की जाती है और जिन जिन फेज पर ये मतदान किए जाते हैं उन पर किस तरह की व्यवस्था होती है। संदीप, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो क्या चुनाव आयोग की तरफ से क्या क्या तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है? देखिए, निश्चित ही निर्वाचन आयोग ने आज जिस तरीके से प्रेस वार्ता की, उससे पहले उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ईवीएम से ये मतदान होंगे और तमाम तरह की पूरे देश भर में जो है वो तैयारियां की जा चुकी है। अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग की जो टीमें हैं वो तैयार हो रही है और इनकी तैयारी जो है निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू कर दी गई है। पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में 7 फेसेस में ये चुनाव होने हैं और इसमें 97 करोड़ लोग जो हैं वो मतदान करने वाले हैं। महिला वोटर्स भी काफी संख्या में है, तो वही पुरुष वोटर्स भी अच्छे खासे तादाद में रहने वाले हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग जो है स्पष्ट मतदान और निस्वार्थ मतदान की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारी की जा रही है। अगर हम बात करें तो इस बार बुजुर्गों के लिए निर्वाचन आयोग ने अहम पहल करते हुए घरों तक जो मतदान के अधिकारी हैं उनको पहुंचने के निर्देश दिए हैं, यानी कि जो मतदान के अधिकारी हैं वो घर पर जाकर ही 80 के प्लस जितने भी बुजुर्ग हैं उनका वो मत लेते हुए हमको नजर आएंगे। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है उसकी ओर से पोलिंग बूथ पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम के दिशा निर्देश जो है वो जिला प्रशासन और अधिकारियों को दिए गए हैं। तो वही तमाम पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के निर्देश है वो निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे देश भर में चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई और निर्वाचन आयोग जो है वो निस्वार्थ मतदान की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आज पूरे देश भर में आचार संहिता भी लागू निर्वाचन आयोग की ओर से कर दी गई है। जी,
संदीप, चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही और कितनी ज्यादा एक्टिव होती नजर आ रही है। देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया है, वैसे ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में जो हलचल है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति की तैयारी कर रही थी, उससे कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ती हुई अब बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो भी शुरू करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसको लेकर एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि बंपर जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी होने वाली है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर पार्टी अपना परचम लहराएगी। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी बयान आया और उन्होंने तमाम मतदाताओं से मत की अपील करते हुए 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी के जीतने का दावा किया है। तो वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों से आह्वान किया और उन्होंने कहा है कि मुझे छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के तमाम मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वो कांग्रेस को मत करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जिस तरीके से चुनाव की जो उल्टी गिनती है वो मध्य प्रदेश और पूरे देश में शुरू हुई है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश और पूरे देश में जो बयानबाजियों का सिलसिला है वो शुरू हो गया और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए तैयार नजर आ रही है और इस वक्त दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है और निर्वाचन आयोग की ओर से भी तैयारी शुरू कर दी गई है। जी, देखा जाए तो चुनाव आयोग की ओर से आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और मध्य प्रदेश में बता दें कि 4 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। अब देखना यह होगा कि किसकी होती है जीत और किसकी होगी हार। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।